एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में 9 नवंबर 1934 को हुआ था। कार्ल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से ग्रेजुएट हुए, जहां उन्होंने ग्रहों का विज्ञान और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पर अध्ययन किया। 1968 में वे कॉर्नेल लेबोरेटरी के डायरेक्टर भी बने और नासा के बहुत से प्रोजेक्ट्स में काम किया। परमाणु विरोधी कार्ल सेगन 1983 में न्यूक्लियर विंटर के विचार को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर कंप्यूटर मॉडल के सहायता से हमें यह बताया कि किस तरह न्यूक्लियर वॉर मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। कार्ल ने ही अंतरिक्ष में भेजे गए भौतिक संदेश पायनियर प्लग और वॉयजर गोल्डन रिकॉर्ड को असेंबल किया था, जिन्हें नासा के पायनियर और वॉयजर स्पेस क्राफ्ट में लगाकर स्पेस में भेजा गया, ताकि ये संदेश उस सभ्यता को मिल सके जहाँ भविष्य में कभी ये पहुँचेंगे। कार्ल एक ऑथर भी थे। उन्होंने एक उपन्यास, कई किताबें और एकेडमिक पेपर्स लिखे। वे अवार्ड विनिंग टीवी सीरीज कॉस्मोस अ पर्सनल वॉयज के नैरेटर और को राइटर भी थे, जो 1970 और 1980 के दशक के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में जन्मे कार्ल सेगन खगोल विज्ञान में बचपन से ही रुचि रखते थे। उनके माता पिता को यह बात तब पता चला जब कार्ल 5 वर्ष के थे। सैमुअल सेगन, जो कि एक टेलर थे, कार्ल के पिता थे, और रिचल मोली ग्रूबर कार्ल की माता थी। कार्ल कहते थे कि उनके अंदर सेंस ऑफ वंडर उनके पिता से आई थी। एक लेखक और वैज्ञानिक के रूप में अपने बाद के वर्षों में कार्ल अक्सर वैज्ञानिक बिंदुओं को चित्रित करने के लिए अपने बचपन की यादों को आकर्षित करते हैं और अपने सोच पर माता पिता के प्रभावों का वर्णन करते हैं। यह 1939 का वक्त था जब कार्ल 4 वर्ष के थे। उनके माता पिता उन्हें न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में ले गए। कार्ल कहते थे कि उनके जीवन का वह समय सबसे अधिक परिभाषित क्षणों में से एक था, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में उन्होंने भविष्य के विज्ञान और तकनीक देखे, जिसमें टाइम कैप्सूल भी था। डेविडसन अपने लेख में लिखते हैं कि टाइम मशीन के विचार ने कार्ल को रोमांचित कर दिया। भविष्य में एक वयस्क के रूप में कार्ल और उसके सहकर्मी इसी तरह के कैप्सूल बनाएंगे, कैप्सूल जो आकाशगंगा में भेजे जाएंगे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि डेविडसन के ये कथन वास्तव में सच साबित हुए पायनियर और वॉयजर के माध्यम से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्ल का परिवार अपने यूरोपीय रिश्तेदारों की चिंता किया करते थे। हालांकि कार्ल आमतौर पर चल रहे युद्ध से अनजान रहते थे, लेकिन वह समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण एक कठिन समय था। कार्ल ने अपनी पुस्तक द डिमोन हॉन्टेड वर्ल्ड में इस संघर्षपूर्ण समय के अपनी यादों को शामिल किया है, लेकिन इन कठिन समय के कारण उनके जिज्ञासु विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और इस प्रकार प्राथमिक विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के तुरंत बाद उन्होंने प्रकृति के बारे में एक मजबूत जिज्ञासा व्यक्त करना शुरू कर दिया। कार्ल ने 5 वर्ष की उम्र से ही पब्लिक लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें जानना था कि स्टार्स क्या होते हैं। उस समय उनका कोई दोस्त, उनके माता पिता या उनके शिक्षक उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। कार्ल कहा करते थे, मैं जब लाइब्रेरियन के पास गया और स्टार्स के बारे में एक किताब मांगी तो जवाब आश्चर्यजनक था कि सूर्य एक तारा है जो कि हमारे इतने करीब है। तारे सूरज जैसे होते हैं, लेकिन अभी तक वे केवल प्रकाश के छोटे बिंदु हैं। ब्रह्मांड का यह विशालता अचानक मेरे लिए खुल गया। वह एक तरह का धार्मिक अनुभव था। उस अनुभव में एक भव्यता थी जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। लगभग 6 या 7 साल की उम्र में कार्ल और उनके एक मित्र मैनहट्टन के पूर्वी नदी के पार अमेरिकन म्यूजियम के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में गए। वहां वे हेडन तारामंडल के अंतरिक्ष वस्तुओं जैसे कि उल्कापिंड प्राकृतिक सेटिंग्स में डायनासोर और जानवरों के प्रदर्शनों के आसपास चले गए। कार्ल उन यात्राओं को भी अपने जीवन में परिवर्तन मानते हैं। कार्ल के माता पिता विज्ञान में उनकी बढ़ती रुचि को देख पढ़ाई लिखाई में उनका पूरा सहयोग करते थे। एचजी वेल्स और एडगर राइस बोरोस जैसे लेखकों के साइंस फिक्शन कहानियों को पढ़ने के बाद मंगल जैसे अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में उनकी कल्पना और मजबूत हुई, और जल्द ही वे साइंस फिक्शन कहानियों और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के प्रशंसक बन गए। 1947 में कार्ल बूडी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, तब वे 13 वर्ष के थे।
लेकिन जल्द ही उनके पिता के नौकरी के कारण उनके परिवार को न्यू जर्सी जाना पड़ा, जहां उन्होंने राहवे हाई स्कूल में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई शुरू की। कार्ल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, ये बात उनके टीचर्स जानते थे। इसलिए उनके टीचर्स उनके माता पिता को अक्सर यह कहते थे कि कार्ल को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन पैसों की कमी के कारण उनके माता पिता उन्हें प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा पाए। लेकिन फिर भी कार्ल पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। उस समय कार्ल केमिस्ट्री में ज्यादा रुचि रखते थे और परीक्षणों के लिए उन्होंने घर में अपना खुद का केमिस्ट्री लैब भी बना रखा था, जहां वे मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर अध्ययन किया करते थे। उस समय कार्ल एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखते थे, लेकिन कम। लेकिन जैसे जैसे वे एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते गए, उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को अपना करियर गोल बना लिया। इस प्रकार 1951 में 16 साल की उम्र में कार्ल ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और शिकागो विश्वविद्यालय चले आए, जहां उन्होंने एच.जे. म्यूलर के लेबोरेटरी में फिजिकल केमिस्ट हैरोल्ड यूरे के साथ मिलकर ओरिजिन्स ऑफ लाइफ पर एक थेसिस लिखा और एलियन लाइफ की संभावना पर अपना आकर्षण बढ़ाया। 1955 में कार्ल फिजिक्स में बैचलर और मास्टर डिग्री प्राप्त किए और फिर 4 साल बाद एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी। पीएचडी करने के बाद वे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय चले गए। वहां उन्होंने नासा के मैरिनर 2 रोबोटिक प्रोब में इंफ्रारेड रेडियोमीटर विकसित करने में सहायता किया। 1960 के दशक में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय और स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी में काम किया। उनका प्रारंभिक कार्य ग्रहों के भौतिक स्थितियों पर केंद्रित था, ज्यादातर वीनस और जुपिटर के वायुमंडल में। उस समय के दौरान कार्ल पृथ्वी से परे जीवन की संभावना और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की खोज में रुचि रखने लगे। उस समय एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस एक विवादित शोध क्षेत्र था, जिसे कार्ल ने बहुत आगे बढ़ाया। दोस्तों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस पर हमने पहले से ही एक वीडियो बनाया है, जिसे आप चाहें तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। 1968 में कार्ल कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला में ग्रहों के अध्ययन के लिए डायरेक्टर नियुक्त किए गए और 3 साल बाद वे प्रोफेसर भी बने। नासा के साथ फिर से काम करते हुए उन्होंने यह निश्चय करने में मदद किया कि वाइकिंग प्रोब मंगल पर कहां और कैसे पहुंचेगा, और फिर पायनियर और वॉयजर स्पेस क्राफ्ट मिशन में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने इन दोनों मिशन में संदेशों को तैयार करने में सहायता किया। दोस्तों, वॉयजर स्पेस क्राफ्ट पर भी हमने पहले से ही वीडियो बनाया है, जिसे आप इस वीडियो के बाद जरूर देखें। अपने 30 के दशक में उन्होंने ऐसे मुद्दों पर बोलना शुरू किया जिन पर उनका ध्यान बहुत आकर्षित होता था, जैसे कि इंटरस्टेलर फ्लाइट और यह विचार कि हजारों साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए थे। उन्होंने UFO के बारे में भी बताया। वह समय ऐसा समय था जब ये सभी बातें आम लोगों के लिए दिलचस्प खबरें थी। 1968 में जब वे वैज्ञानिक क्षेत्र में एक जाने माने वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टैनली कुब्रिक के फिल्म 2001 ए स्पेस ओडिसी में काम किया। इस प्रकार वे 1970 और 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। ए स्पेस ओडिसी के बाद उनके कई प्रसिद्ध लेखों ने, जैसे कि कॉस्मिक कनेक्शन, अदर वर्ल्ड, द ड्रैगन्स ऑफ ईडन इत्यादि, सभी ने वैज्ञानिक समुदाय और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। 1980 में उन्होंने प्लैनेटरी सोसाइटी का सह स्थापना किया और बेहद प्रभावशाली टीवी सीरीज कॉस्मोस अ पर्सनल वॉयज, जिसे उन्होंने लिखा और होस्ट किया था, एक अवार्ड विनिंग टीवी सीरीज बना, जिसने विज्ञान में लोगों की रुचि को और बढ़ा दिया। बाद में उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी। उनके अन्य प्रसिद्ध कार्य में से एक पेल ब्लू डॉट, अ विजन ऑफ द ह्यूमन फ्यूचर इन स्पेस कॉस्मोस की अगली सीक्वल बनी, जो कि प्रसिद्ध पेल ब्लू डॉट फोटोग्राफ से प्रेरित था। वॉयजर मिशन के दौरान वॉयजर स्पेस क्राफ्ट द्वारा लिया गया था। 1981 में कार्ल सेगन अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक सेलिब्रिटी और वैज्ञानिक के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक अभियान चलाया और राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन की रणनीति रक्षा पहल के एक विरोधी भी बने। इस प्रकार 1983 में उन्होंने परमाणु युद्ध से होने वाले न्यूक्लियर विंटर को दुनिया के सामने रखा और उसके अगले वर्ष ही वे द कोल्ड एंड द डार्क द वर्ल्ड आफ्टर न्यूक्लियर वॉर के सह लेखक बने।
दोस्तों, न्यूक्लियर विंटर के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारा न्यूक्लियर विंटर वाला एपिसोड जरूर देखें। कार्ल सेगन के करियर के दौरान उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, विशेष रूप से नासा के विशिष्ट लोक सेवा पदक, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के लोक कल्याण पदक और जॉन एफ कैनेडी एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। कार्ल बचपन से ही अपने करियर में बहुत ध्यान दिया करते थे और हमेशा लगन के साथ अपने काम में लगे रहते थे। शायद यही कारण था कि उनका दो बार तलाक हुआ। 1981 में कार्ल ने लेखक एन रुयान से शादी की और उसके बाद वे दोनों हमेशा एक साथ रहे। 2 साल तक माइक्लो डाइस्प्लेसिया से पीड़ित रहने के बाद फिर 3 बार बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद 62 वर्ष के उम्र में निमोनिया होने से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद भी वे विज्ञान में एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय वैज्ञानिक बने हुए हैं और हमेशा बने रहेंगे। आशा करता हूँ आपको यह बायोग्राफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव या सवाल कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।